हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अपने घर पे होंगे, सब लोग ठीक होंगे। देखिए, बहुत से लोग आप में से मुझे जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, आई एम नीरज मेहता, द फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ योर कोचिंग, दैट इज होमवर्क कोचिंग, राइट। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, आपसे ज्यादा टेंशन मैनेजमेंट को है आपके कोर्स को कंप्लीट करने की। तो उसी सीरीज को फॉलो करते हुए अब हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। संतोष सर ने आई एम श्योर आपको बताया होगा कि कौन सा चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद इन 2 to 3 days हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, पर्ट सीपीएम। देखिए, वैसे तो मैं फेवर में था कि ऑनलाइन क्लास हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि जो मेरा घर है, मेरा घर कंटेनमेंट जोन में आ गया है, जिसे 28 डेज के लिए कंटेन कर दिया गया है। तो जिसके कारण से अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, हम लोग उसको रिजोल्व कर रहे हैं। जैसे ही वो रिजोल्व होगा, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, राइट। मैं अश्योर करता हूं कि आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर होंगे। अब जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें बताने की जरूरत पड़ेगी, राइट। बट जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आप सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी कोचिंग में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो सेटिस्फेक्टरी नहीं कराए गए, तो वो आपने दोबारा किए और मुझसे किए, राइट। तो अभी अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग एक छोटे से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। वो सब्जेक्ट होगा हमारे पास में पर्ट सीपीएम। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ के चलते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिसमें ये मान के चलो कि लगभग 2 से 3 questions आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। SSC JEE में तो नहीं आता ये सब्जेक्ट, लेकिन इसको छोड़ के लगभग हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे आपका JEE लेवल का एग्जाम हो, चाहे AE लेवल का एग्जाम हो। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो, क्योंकि बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं। जो फ्री के 2-3 numbers हैं, वो पूरे के पूरे जो है, वो मार्क्स जो है, वो फिर कैंसिल हो सकते हैं, राइट। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान रखना कि आपका कोई भी सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट या 2 subjects के बेसिस पे आप अपने पेपर को क्लियर नहीं कर सकते। आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा, राइट। तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट होंगे। अभी अगर मैं पर्ट सीपीएम की बात करता हूं, तो बेटा मैं सिलेबस में अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, तो पर्ट सीपीएम में हम लोग अपने सिलेबस को टोटल 4 units में कवर करते हैं। पहला है हमारे पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, बहुत लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं होगा शायद, तो इसको ध्यान से कवर कर लेना। आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम बार चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, माइलस्टोन चार्ट्स क्या होते हैं, इन सबको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी के अलावा इवेंट क्या होते हैं, कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होती हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे डील करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क में, राइट। इसके बाद में थर्ड आएगा हमारे पास में PERT, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, जिसको हम लोग PERT बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग PERT के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इनका यूज क्या है। इसके अलावा एक फोर्थ आता है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको लिखते हैं CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड सब्जेक्ट का जो नेम है, राइट। स्लैक क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कितने टाइप के फ्लोट्स हैं, कितने टाइप के स्लैक्स हैं, वो सब यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसी के साथ में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेवल के, वो भी हम लोग साथ के साथ कवर कर लेंगे। तो बेटा, मैं फिर आपको एक बार अश्योर कर दूं कि अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को कवर करो। देखो, बहुत सही प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, अगर मैं बात करूं तो आप फालतू में किसी दूसरी कोचिंग में या कहीं पे भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जितने आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे पेंडिंग सब्जेक्ट्स हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में है, जैसे हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। इससे आप लोगों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसी के साथ में आपको आइडिया भी हो जाएगा, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए या किसी कारण से आप नहीं कर पाते, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है, राइट। तो तब तक के लिए विदिन 2 to 3 days आपके पास ये, मेरे पास सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो हम लोग अपने लेक्चर्स को अपने चैनल पे स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जिस चैनल पे मेरा पहले से सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो तो देखो कंटिन्यू रहेंगे, राइट। उसी के साथ हम लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आगे अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल कौन सा सब्सक्राइब करना है, वो संतोष सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा। इनकेस अगर नहीं आइडिया है,
तो आप, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको आइडिया दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।